सो गाइस, रात का खाना पीना मस्ती मजा सब कुछ हो चुका है और अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि अब कुछ थ्रिलिंग होने वाला है। अच्छा, किसी भी ब्लॉगर का इंट्रो जो होता है ना वो उसके बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब अगर वो काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस पे तो वो उस एक्साइटमेंट के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करेगा और वहीं अगर वो कहीं ठीक ठाक प्लेस पे एवरेज प्लेस पे तो वो उस मूड के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करेगा। तो इस हिसाब से हमारे ब्लॉग की शुरुआत होनी चाहिए कुछ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है ना कि अभी हम जिस जगह पे है ना वहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। तो गाइस, ऑटो फोकस आ चुका है अब लाइफ में। अब जब हम चाहेंगे तभी चीज़ें ब्लर होंगी और जब हम चाहेंगे तभी चीज़ें फोकस होंगी। सो गाइस, राइट नाउ आई एम शूटिंग विद माय ओनली M50 Mark II एंड आज के इस व्लॉग में ये कैमरे के साथ भी मेरी एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है। तो बस बेसिकली आज हम यहाँ बैचलर्स की नाइट जो है स्पेंड करेंगे, जिसमें पूरे दिन का खाना पीना रहना जो कुछ भी चीज़ें होती है वो सब हम खुद से बनाएंगे और खुद से मैनेज करेंगे। बाहर से कुछ भी रेडीमेड लाने का प्लान नहीं है। वैसे मुझे पर्सनल दूध उबालने के सिवाय कुछ आता नहीं है, पर थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के स्टे में ये भी है ना कि चारों लड़के जो है इंजीनियरिंग कम्युनिटी से, तो जो भी करेंगे मज़ा ही आएगा। सो गाइस, अब थोड़ी डिटेल इस जगह के बारे में बता देता हूँ। सो अगर आप खोबोली में कहीं एक रात रुकने का प्लान कर रहे हो जिससे आप आसपास की जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सब कुछ जो है इन्जॉय कर पाओ, सो आई वुड सजेस्ट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू शुड विजिट। और यहाँ रहने का मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ से खाली 20 किलोमीटर दूर पर लोनावला है अपना, आप वहाँ जा सकते हो और जेनिथ वाटरफॉल है और आसपास के खोपोली के जितने भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सब कुछ यहाँ से काफ़ी पास। और बाकी जो भी कुछ डिटेल्स है आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। घर से सुबह जो कुछ भी खा के आए थे वो सारा खाना जो है हज़म हो चुका है और अब लगी है भूख। शाम के 5:30 कुछ बज रहे हैं और ये दिक्कत है पहली कि 4 बजे तक ही दुकान वगैरह चालू रहती है, सो अभी हम लोगों को वो एक प्रॉब्लम अलग से फेस करना है। तो अब सबसे पहले मार्केट चलते देखते हैं वहाँ पे कुछ खुला है क्या, जिससे हम लोग को थोड़ी बहुत जो है खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ें मिल सके। कुछ भी मिल जाए ना वो मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि अभी कुछ भी मेरे को उम्मीद नहीं लग रहा है कि कुछ खुला रहेगा। हम लोग यहाँ के मार्केट का प्रॉपर नॉलेज वगैरह भी नहीं है, सो हम लोग को मालूम नहीं कि कहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं, ढूंढना पड़ेगा काफ़ी। मैगी एंड ऑल भी अगर मिल जाता है सो मोर देन इनफ रहेगा हम लोग के लिए। सो अभी चलते हैं देखते क्या होता है। सो गाइस, अभी हम लोग खोपोली के मेन मार्केट में आ चुके हैं और ऑलरेडी 4:00 जा चुके हैं, सो आधी दुकानें जो है काफ़ी बंद हो चुकी हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जो चालू है थोड़ी बहुत हाफ शटर जो कुछ मिल जाए अलग अलग दुकान से हम लोग को ढूंढना पड़ रहा है। आधा किलो कांदा दो और टमाटर कितना लगेगा? पाव किलो टमाटर दो। मैं यूट्यूब पर वीडियो डाक दो। फाइनली एक शॉप यहाँ पे ओपन मिला है जहाँ हमारी काम की चीजें मिल रही है। मैगी ले लिया। हाँ, और जीरा लेना है। और जीरा लेने का 10 का ले लेंगे। जीरा हल्दी ले ले। हल्दी का इकड़े इकड़े है वगैरह तांदूळ वगैरह बघा क्या था काय नको डाळ वगैरह नको जीरा देते दुखन लागला तरी बरं तू बंद आहे भाई बंद आहे पाव हे देख क्या हो गया इसके वजह से बोल रहे पाव नहीं अच्छा ये नहीं बंद है भाई पाव नहीं रखते पाव 4 महीने बाद में देते नहीं 5 भी देते हैं नहीं अरे आप क्या कैमरे की वजह से बोल रहे हो क्या? कैमरे से क्या मतलब क्या यार? हाँ
कैमरे से क्या मतलब है? अरे अंकल मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मैं ऐसा आपको मतलब दुकान वगैरह कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है यूट्यूब है दिन में आप देखते हो गए ना यूट्यूब भाई। हाँ तो रात को शाम को दिन में आओ ना यूट्यूब बनाओ ना बिंदास आप। तो बंद कर देता हूँ मैं चाहिए था और क्या करूँ बोलो। बंद करने से मतलब क्या था, चालू करो आप बिंदास, लेकिन नहीं है ना। अब भी तो बात करके गया ना मैं भाई जी, करके गए आप 4 बजे अभी बाद में माओ नहीं देते ना 4 बजे के बाद में। तो फिर चालू रखा है ना अंकल आपने, लेकिन नहीं तो चालू किया यहाँ पे, अब आ रहा है कोई गिराक जा रहा है ऐसा दे रहे। तो हम लोग भी तो गिराए की है ना, तो गिराक को नहीं दे रहे ना भाई। तो किसको दे रहे, बेकरी चालू है माल बना रहे हैं यहाँ पे तो 24 घंटा बनता है, वो तो माल तो 24 घंटा बनता है। तो हम लोग को नहीं दे रहे हो आप मतलब कैमरा चालू है इसलिए? नहीं नहीं देते नहीं बस। कमाल है यार, मतलब मैं बता भी रहा हूँ अंकल आपको क्या रीजन के लिए, आप फिर भी नहीं मान रहे हो क्या? नहीं 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 वो काम नहीं होएगा, आप नहीं बोलो, माल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर लेकिन नहीं मिलेगा अभी आप बनते ये मिलेगा आपको जो है बात बोल रहे हो आप, मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन हमारे तरफ तो चालू है 24 घंटा माल बनता ही है ना, माल बनाना थोड़ी बंद करते हैं हम लोग, अंदर बनाते ही है ना माल, माल तो बनता है ना, माल तो बनाने वाला बेकरी है तो माल बनेगा ना उसमें। चलो चलो ठीक है रहने दो। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, मतलब मैं एज़ यूजुअल अपना व्लॉग शूट कर रहा था और वो सामान मैंने उनसे मांगा, पाव मांगा मैंने उनसे, सो मैंने पाव मांगा उनसे तो उनको लगा कि क्या पता मैं मतलब उनके शॉप वगैरह कुछ तो वीडियो बना रहा हूँ और फ़ाइन वगैरह का कुछ तो सीन, मतलब जो भी कुछ एज़ यूजुअल 4 बजे के बाद उनका शॉप चालू था, सो एज़ यूजुअल जो है डर उनको लग रहा रहेगा कि मैं कुछ तो करने के लिए आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो अचानक से उनको मैंने 4 लादी पाव मांगा, वो बंदा अंदर जो है पाव निकाल रहा था और अचानक से ये कैमरा देख के बोलते नहीं भाई नहीं देंगे हम आपको, मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन था नहीं कि मतलब मेरा अब हाथ में कैमरा है तो दिखाई तो देगा ही ना, मैं खाली वहाँ पे कैमरा लेके खड़ा था और बेसिक जो मतलब चीज़ें हो रही थी जो मैं उनको पूछ रहा था कि ये है क्या वो है क्या अवेलेबल, सो अचानक से क्या मालूम कैमरा देख के उनका क्या मूड सटक गया क्या मालूम। अरे तो मैं टीवी चैनल वाला लगता है। अरे नहीं ना अभी इधर वाटरफॉल है फेमस तो फिर उसके लिए आएगा ना वीडियो वगैरह बनाने के लिए, अभी मैं उनको बताया अभी यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ करके वीडियो बना रहा हूँ, ये ऐसा दिखा ना तो बोलते चैनल वाले ही ऐसा सोचते हैं। भाई साहब यहाँ अलग अलग चीज़ें हो रही है, बेसिकली हम लोग को पाव इसलिए चाहिए था क्योंकि हम लोग भुर्जी बनाना चाह रहे थे, सो हुआ क्या फिर पाव का अल्टरनेटिव हम लोग ने सोचा ब्रेड ले लेते, और फिर हम लोग ब्रेड ले रहे थे तो हम लोग ने उनको बताया बातों बातों में कि हम लोग ने पहले पूछा कि यहाँ पे दूसरा कोई बेकरी है क्या, तो वो बोले नहीं पीछे एक ही बेकरी है, तो हम लोग ने बताया कि वो नहीं दे रहे करके, मेरे हाथ में कैमरा था तो उनको लगा कि मैं वीडियो वगैरह कुछ बना रहा हूँ, उन लोग ने मना कर दिया। सो अभी विपेश के साथ वो अंकल गए जिनका खुद का दुकान है, वो अपनी दुकान बंद करके गए उसके साथ, बोले चल मेरे को लेके चल देखा वो पाव करके, तो देखते अभी वो लेके आएंगे पाव शायद होपफुली। मिला पाव क्या बोला वो? बोल रहा है वो ऑन कैमरा पूछ रहा है कि कितने बजे तक चालू है, तो क्या मैं क्यों हुआ है ऐसा बोले। तो बारिश गिर रहा है। अरे अरे ए ले गौरव, अरे इसको तो ले। इधर बहुत अलग अलग चीजें हो रही है बे। काठी काठी ले ले काठी। पकड़ 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 पकड़। तो हमारे बैग ही बन के जो है रेडी हो चुकी है और अभी इरफान शेख जो है सर्व कर रहे हैं हम लोग को। हो गया तरफ से। सो गाइस रात के लगभग 8 बज चुके हैं अभी और खाना पीना भी सब हो चुका है, अभी फिलहाल जो है कुछ नहीं हम लोग के पास करने के लिए। कल का तो हम लोग का प्लान ऑलरेडी है कि जेनिथ वाटरफॉल विजिट करना है, आज रात को क्या करना है उस चीज़ को लेकर बहुत सारे प्लान्स हम लोग के मन में आ रहे हैं। पहला प्लान ये है कि यहाँ से खाली 20 मिनट के डिस्टेंस पे लोनावाला है, सो फर्स्ट टाइम हम लोग लोनावाला या तो रात को विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि रात को मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, सो ऐसा हो जाएगा कि मतलब उसका व्लॉग एंड ऑल कुछ बन ही नहीं पाएगा क्योंकि कुछ भी थोड़ा भी लाइट नहीं रहेगा, वो कंप्लीट डार्क रहेगा वहाँ पे। बट ये है कि हम लोग को उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा, बट मुझे व्लॉग भी बनाना है उस चीज़ का, सो वो एक पहला प्लान है। और दूसरा प्लान ये है कि लोकली जो है हम लोग खोपोली विजिट कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आसपास में घूम के आ सकते हैं। तो फिलहाल यही सब चीज़ें घूम रही है दिमाग में कि क्या करना चाहिए, देखते हैं क्या डिसाइड होता है, मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आज की ये रात जो है वेस्ट जाएगी, सो उस चीज़ की तो गारंटी है कि मतलब वर्थ रहेगा आज का रात जो भी हम लोग कुछ करेंगे। तो गाइस आज की रात का आखिरी मील वापस से मेरा विपेश बना रहा है, ये हम लोग आज रात का आखिरी मील है, मेन मील है, इसके बाद हम लोग सब सो जाएंगे, कुछ बचा नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट
the end of this beautiful day. आज पूरा जो है हम लोग ने प्रॉपर एक बैचलर्स वाला दिन हम लोग ने काटा है यहाँ पे. कुछ भी चीजें जो है हम लोग ने बाहर से खरीदी नहीं, बाहर से चीजें लेके आए, खुद बनाए. मतलब मैं नहीं था उसमें, ठीक है, अलग बात है, ब्लॉगिंग भी इम्पोर्टेंट है. विपेश था, इरफान था. तेको आता नहीं बनाना, वो नहीं बोलेगा. तो गाइस रात का खाना पीना मस्ती मजा सब कुछ हो चुका है और अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि अब कुछ थ्रिलिंग होने वाला है. सीन कुछ ऐसा है कि विपेश जो है हॉल में सो रहा है और हम तीनों को नींद नहीं आ रहा है. सो हम तीनों ने मिलके एक हॉरर प्रैंक प्लान किया है उसके लिए, जिसके अंदर होने ये वाला है कि अभी हम लोग बेडरूम से हॉल में जाएंगे और विपेश को बोलेंगे कि वो बेडरूम में आके सो जाए और इरफान जो है ऑलरेडी उसके बाजू में सोया हुआ रहेगा और इसके आगे की चीज़ें आप खुद लाइव देख लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. धीरे बोल चला भाई, बच्चे लोग हो क्या अभी भी रूम में? चल भाई अंदर, तो बंदी का शूटिंग. अरे मजाक कर रहे मजाक कर रहे भी मजाक कर रहे ना, तो इतना. गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं. प्लान कुछ अलग ही था, मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी जाने का प्लान था जेनिथ वाटरफॉल सुबह सुबह, लेकिन कल रात को जो सब चीज़ें हुई वो आपको पता ही है. सो सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था, मतलब सुबह के जो है 4:30-5 बजे हम लोग सोए और ऑफकोर्स फिर वहाँ से कम से कम 3 घंटे की नींद तो लगनी है. सो अब भी जस्ट हम लोग की आँख खुली, 10:30 बजे का चेकआउट भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मतलब अब यहाँ से जो है सब सेम प्लान कंटिन्यू होगा, बस टाइम जो है थोड़ा लेट हो चुका है. तो जेनिथ वाटरफॉल जो है हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे. बाकी अब तक का वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक भी कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में.
वो खाली एक फ्लो में दिखता है तो ऐसा लगता है कि बस वीडियो चालू और ख़त्म हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत दिन की प्लानिंग रहती है, काफ़ी सारा मेहनत रहता है। जो है सारे टूरिस्ट स्पॉट जो है ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं, सो अभी आप लोग कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं जा सकते हो सब अपडेट्स भी इस चैनल पर आते रहेंगे, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। You're a superhero.